हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूं एक नए टॉपिक में, द कॉपीराइट एक्ट 1957। सो कॉपीराइट का जो टॉपिक है ना, कॉपीराइट का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मतलब आप कहेंगे सर मज़ा आ गया टॉपिक पढ़ के, तो इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं हम इनसे मिलिए। ये कौन है सर और इनकी स्टोरी क्या है? इनकी स्टोरी कुछ इस तरीके से है। ये केस, पहली बात मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इंडिया का केस नहीं है। दूसरी बात मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इस केस का हमारे स्टडी मैट से, एग्जाम से कोई कनेक्शन नहीं है। ये केस सिर्फ आपको एक अंडरस्टैंडिंग बताने के लिए है और थोड़ा सा फनी केस है। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ना, ये एक चिंपैंजी ने अपनी सेल्फी ली थी। हाँ, ये चिंपैंजी ने अपनी सेल्फी ली थी। और सेल्फी कैसे ली थी? एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर गलती से, उसका फ़ोन जंगल में वहाँ रह जाता है और वो चिंपैंजी के हाथ लग जाता है और चिंपैंजी उसका फ़ोन, उसका जो कैमरा होता है, कैमरा लेके फ़ोटो क्लिक करने लग जाता है। और ये वो चिंपैंजी जो होता है, ये वो अपनी सेल्फीज लेता है। तो इस चिंपैंजी की सेल्फी के ऊपर, अब जब वो कैमरामैन को अपना कैमरा मिला और उसमें ये सेल्फीज आ गई। जब ये सेल्फीज आ गई, उसके बाद एक मैगजीन ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक यूके की मैगजीन ने इन सेल्फीज को पब्लिश कर दिया। फोटोग्राफर ने केस फाइल कर दिया और उसने कहा कि इन फोटोज के ऊपर मेरा कॉपीराइट है। ही सेड के इन फोटोज के ऊपर मेरा कॉपीराइट है। तभी पेटा वाले आ गए, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, और उन्होंने क्या कहा कि इस फोटो के ऊपर जो कॉपीराइट है वो चिंपैंजी का है। चिंपैंजी का इस फोटो के ऊपर कॉपीराइट है, ना कॉपीराइट फोटोग्राफर का है, ना किसी मैगजीन के पास। मैगजीन ने कहा इसके ऊपर किसी का कॉपीराइट ही नहीं है। बट कोर्ट ने ये डिसाइड किया, कोर्ट ने कहा कॉपीराइट इंसानों को मिलता है, जो लॉ में लिखा हुआ है ना, लॉ कहता है कॉपीराइट इंसान को मिलता है, ना किसी चिंपैंजी को। तो किसी चिंपैंजी ने अगर अपनी सेल्फी ले ली, उसके ऊपर उसे कॉपीराइट नहीं मिलेगा। तो इसके ऊपर खैर एक फनी केस था और इसी के ऊपर हम लोग आगे डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे दी कॉपीराइट एक्ट की। इंडिया में कॉपीराइट को लेकर क्या प्रोविजन है सर? इंडिया में कॉपीराइट को लेकर जो प्रोविजन थे वो देखिए, 1957 कन्वेंशन कौन सी थी सर? आपको पता ही होगा, ट्रिप्स में भी कॉपीराइट कवर होता है, ट्रिप्स जो एग्रीमेंट था। इंडिया में अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं इस एक्ट की, तो इंडिया में एक कॉपीराइट ऑफिस है और कॉपीराइट बोर्ड है और तीसरा कॉपीराइट सोसाइटी। ये तीन चीज़ें हमें याद रखनी है, कॉपीराइट ऑफिस, कॉपीराइट बोर्ड एंड कॉपीराइट सोसाइटी। सर कॉपीराइट ऑफिस जो है ना, कॉपीराइट ऑफिस से रजिस्ट्रेशन ग्रांट होता है, रजिस्ट्रेशन मिलता है और यहाँ एक रजिस्ट्रार बैठता है, यहाँ एक रजिस्ट्रार होता है। कॉपीराइट बोर्ड ये डिसाइड करता है अगर कोई कॉपीराइट का डिस्प्यूट है, तो डिस्प्यूट डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड करता है कॉपीराइट बोर्ड। कॉपीराइट सोसाइटी सर, ये सोसाइटीज कॉपीराइट ग्रांट करने का काम करती है, राइट? कॉपीराइट ग्रांट करने का काम कौन करता है? कॉपीराइट ग्रांट करने का जो वर्क परफॉर्म करते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉपीराइट सोसाइटीज। ये कॉपीराइट ऑफिस का फ्रंट पेज है, कॉपीराइट ऑफिस की वेबसाइट का इनफैक्ट फ्रंट पेज है, जो मतलब आपकी नॉलेज के लिए मैंने इसे आप इंक्लूड किया है कि सर किस तरीके से कॉपीराइट ऑफिस काम करता है। इसी कॉपीराइट ऑफिस में एक बात याद रखिएगा, कॉपीराइट को अलग कीजिएगा पेटेंट से, ट्रेडमार्क से। जो हमने कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट ट्रेडमार्क एंड डिजाइन पढ़ा था, उसे इससे अलग करना है। कॉपीराइट ऑफिस उनसे अलग है। ये आया कब था? देखिए यहां पे लाइन लिखी हुई, इट केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 1958। और इस एक्ट को अब तक 6 बार अमेंड किया जा चुका है, 1983, 1984, 91, 99, 2012। और सबसे ज्यादा जो इसमें अमेंडमेंट किए गए थे ना, वो 2012 में किए गए थे इस एक्ट में अमेंडमेंट, राइट? ओके। और देखिए यहां लिखा हुआ है ना वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर आता है। सो एचआरडी जो मिनिस्ट्री है, एचआरडी मिनिस्ट्री के अंदर ये पूरा का पूरा कॉपीराइट ऑफिस आता है। एचआरडी मिनिस्ट्री के अंडर ये पूरा का पूरा कॉपीराइट ऑफिस आता है। तो सर हमने ये सारी बातें तो कर ली कि एचआरडी के अंडर ये पूरा का पूरा मिनिस्ट्री आता है। अब जरा बात कर लेते हैं सर
तो यहाँ फाइलिंग होती है, और देखिए यहाँ तीन चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है, कॉपीराइट सोसाइटी, कॉपीराइट बोर्ड एंड कॉपीराइट ऑफिस, तीन चीज़ों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ज़रा बात कर ली जाए सर, इस कॉपीराइट ऑफिस में जो पर्सन, जो मेन इंचार्ज होता है, उसे हम कहते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट, उसे हम बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट। तो जो सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क परफॉर्म करता है, एडमिनिस्ट्रेशन नेचर के जो वर्क परफॉर्म करता है, उस पर्सन को हम बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट्स। और इसका जो सबॉर्डिनेट होता है उसे कहा जाता है डिप्टी रजिस्ट्रार, राइट, उसे डिप्टी रजिस्ट्रार कहते हैं। तो एक होता है सर रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट, एक किसमें बैठता है, ये कहां बैठता है, इनका ऑफिस कौन सा होता है, कॉपीराइट ऑफिस। तो कॉपीराइट ऑफिस में हम जब जाते हैं तो उसका जो मेन इंचार्ज है दैट इज रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट, और जो उसका जूनियर है, सबॉर्डिनेट है, उसे हम बोलते हैं डिप्टी रजिस्ट्रार। सर किन किन चीजों के ऊपर कॉपीराइट मिलता है जरा ये तो जान ले, ये भी बता देते। देखिए ये बताने के लिए यहां पे आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल है किसका, लिटरेरी वर्क्स। सर लिटरेरी वर्क्स का मतलब ये होता है बुक्स, स्पीचेस, एडवर्टाइजिंग की कॉपी, गेम्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, राइट, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, गेम्स, इनके ऊपर क्या मिलता है, लिटरेरी कैटेगरी के अंडर। तो वर्ड कौन सा आया, वर्ड आया एल। दूसरा आया सर म्यूजिकल कॉम्पोजिशन, म्यूजिकल स्कोर, सीडी, डीवीडी, कैसेट, टेप, MP3 फाइल्स। लेकिन आपको बताऊं कि किसी भी गाने के ऊपर ना अलग अलग लोगों का कॉपीराइट होता है। यस, गाने के ऊपर अलग अलग लोगों का कॉपीराइट होता है, क्योंकि गाने के बोल किसी और ने लिखे हैं, लिरिक्स किसी और ने लिखे हैं, म्यूजिक किसी और ने दिया है, सिंगर कोई और है, हो गए ना लोग। लेकिन अगर गाने के लिरिक्स मैंने लिखे हैं, गाने का म्यूजिक भी मैंने दिया है और गाना गाया भी मैंने है, तो सर मुझे बड़े ही आराम से उस गाने के ऊपर कॉपीराइट मिल जाएगा, क्योंकि उस गाने के ऊपर अब सारा का सारा कॉपीराइट मेरा ही है। लेकिन सर अगर वो गाने में अलग अलग लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है तो वो कॉपीराइट अब डिवाइड हो जाएगा। तो पहला क्या आया, लिटरेरी, और सेकंड क्या आया, म्यूजिकल वर्क। थर्ड आया सर ड्रामेटिक वर्क, अच्छा प्ले, मूवीज, टीवी शोज, न्यूज़कास्ट, इनके ऊपर भी क्या मिलता है, इनके ऊपर भी कॉपीराइट मिलता है। प्ले, ड्रामा, मूवीज, टीवी शोज, न्यूज़कास्ट, थर्ड वो आ गया। उसके बाद सर कोरियोग्राफिकल वर्क्स के ऊपर भी मिलता है, और इंडिया में ऐसा पहला कॉपीराइट मिल चुका है जिसकी मैं अभी आपको एक एग्जांपल दिखाने वाला हूं, कोरियोग्राफिकल वर्क। फिर मैंने कहा कि सर ग्राफिक एंड स्कल्पचरल एक्टिविटीज के ऊपर भी मिलता है, जैसे कि सर फोटोग्राफ्स के ऊपर भी कॉपीराइट मिलता है, आपने कोई फोटोग्राफ ली है, प्रिंट्स के ऊपर, मैप्स के ऊपर, कार्टून्स के ऊपर, फैब्रिक्स के ऊपर, गेम्स, पोस्टर्स, टॉयज, यस टॉयज के ऊपर भी कॉपीराइट मिलता है, और वो डिज़ाइन में भी कवर होता है, डिज़ाइन एक्ट में देखिएगा। एडिशनल एक्टिविटीज़ जो ऑडियो विजुअल वर्क्स हो या साउंड रिकॉर्डिंग हो या कोई आर्किटेक्चरल वर्क हो। तो ये मैंने सबके एग्जाम्पल को यहाँ डिफ्रेंशिएट किया है, लिटरेरी का मतलब क्या होगा, म्यूजिकल का मीनिंग क्या होगा, ड्रामा का मतलब क्या होगा, कोरियोग्राफिकल में क्या आएगा, ग्राफिक में क्या आएगा, एडिशनल में क्या आएगा, इतनी सारी कैटेगरीज हमने यहाँ पे बना दी है। अब बताऊँ याद करने का तरीका बड़ा सिंपल है, हमें याद इस तरीके से करना है, लता मंगेशकर LM, लता मंगेशकर ने दीपिका पादुकोण एंड चंकी पांडे स्टारर एक फिल्म में, लता मंगेशकर ने गाना गाया है, चलो मैं ऐसे बोलूँ, लता मंगेशकर ने गाना गाया एक फिल्म में, उस फिल्म में कितने आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, दीपिका पादुकोण काम कर रही है, चंकी पांडे काम कर रहा है, गोविंदा काम कर रहा है, एंड अमिताभ बच्चन इज ऑल्सो वर्किंग, राइट। तो सर हमें बस ये नाम याद रखने, लता मंगेशकर जी का, दीपिका पादुकोण जी का, चंकी पांडे, गोविंदा एंड अमिताभ बच्चन। अब सर बोले L stands for literary, लता, M stands for musical, लता मंगेशकर, D stands for dramatical and D stands for Deepika, C stands for choreographical, G stands for graphical and A stands for अमिताभ बच्चन additional activities।
तो सर इतनी चीजों के लिए क्या मिलता है, इतनी चीजों के लिए कॉपीराइट मिलता है, लिटरेरी, म्यूजिकल, ड्रामेटिक, कोरियोग्राफिकल, कोरियोग्राफिकल, ग्राफिक एंड एडिशनल एक्टिविटीज, इन सब चीजों के लिए कॉपीराइट मिलता है। जब आप कोई पोस्टर देखते हैं ना, पोस्टर, कोई एडवर्टाइजिंग कॉपी आप देखते हैं, उसके कंटेंट के ऊपर भी उसको बनाने वाले का कॉपीराइट होता है। आप जो भी हिंदी फिल्मों का अपना फेवरेट सॉन्ग सुनते हैं उसके ऊपर भी कॉपीराइट होता है। तो सर लिटरेरी, म्यूजिकल, ड्रामेटिक, कोरियोग्राफिकल, कोरियोग्राफिकल, ग्राफिक एंड एडिशनल एक्टिविटीज। सर अब तो मुझे इजीली डिफरेंशिएट करना आ गया है, नाउ वी कैन इजीली डिफरेंशिएट किन चीजों पे कॉपीराइट मिलता है और किन चीजों पे कॉपीराइट नहीं मिलता। अब हमारे लिए ये डिफरेंशिएट करना बहुत ही आसान हो गया है। अच्छा बिल्कुल सर, हमें पेटेंट का भी पता लग गया है, हमें ट्रेडमार्क का भी पता लग गया है, अब हम लोगों को बता सकते हैं किन किन चीजों के ऊपर कॉपीराइट मिलता है। अगर कोई ऐसे बोलेगा ना इसके ऊपर मेरा पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, हम बोलेंगे एक मिनट, लेट अस डिसाइड, वी आर द एक्सपर्ट्स, इन इन चीजों के ऊपर कॉपीराइट मिलता है, इन इन चीजों के ऊपर पेटेंट मिलता है, और इन इन चीजों के ऊपर क्या मिलता है, ट्रेडमार्क मिलता है। सो आगे जरा बात करते हैं, अब जरा बात करते हैं कॉपीराइट बोर्ड की। हमने सर कॉपीराइट ऑफिस की बात करी, क्यों ना आप कॉपीराइट बोर्ड की बात कर लेते हैं। सर कॉपीराइट बोर्ड को कौन बनाता है, इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसमें एक चेयरमैन होता है, और चेयरमैन के अलावा अदर मेंबर्स कितने होते हैं, सर मिनिमम होते हैं दो मेंबर्स, मिनिमम होते हैं दो मेंबर्स एंड मैक्सिमम होते हैं 14 मेंबर्स, मिनिमम टू मेंबर्स होते हैं एंड मैक्सिमम देर आर 14 मेंबर्स इन, मैक्सिमम 14 मेंबर्स इन कॉपीराइट बोर्ड। कॉपीराइट बोर्ड में इस तरीके से मेंबर्स होते हैं। अब इनके फंक्शन क्या होते हैं सर, जरा ये बता दीजिए। ओके, इनका फंक्शन क्या है, टू डिसाइड वेदर ए वर्क हैज बीन पब्लिश्ड, कोई ऐसा वर्क है जो पहले पब्लिश हो चुका है, मैंने स्क्रिप्ट लिखी और मैं कॉपीराइट मांगने पहुंच गया, तो पहले डिसाइड तो करेगा ना, और उसके ऊपर ऑब्जेक्शन हो गया तो हु विल डिसाइड, द कॉपीराइट बोर्ड विल डिसाइड कि कोई वर्क पहले पब्लिश हुआ है या पब्लिश नहीं हुआ है। टू डिस्प्यूट, टू सेटल द डिस्प्यूट एज टू द असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट। सर असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट किस तरीके से काम करता है, जब कोई ऑथर किसी पब्लिशर के लिए कोई बुक लिखता है, तो ये ऑथर उस पब्लिशर को असाइनमेंट कर देता है अपने राइट्स का। तो सर अगर मैं किसी पब्लिकेशन के लिए बुक लिख रहा हूं, तो जो मैं ऑथर हूं मैं क्या कर दूंगा, अपना राइट असाइन कर दूंगा पब्लिशर को। सो ऐसा कोई भी डिस्प्यूट होगा ना, टू सेटल द डिस्प्यूट एज टू असाइनमेंट, असाइनमेंट का कोई भी डिस्प्यूट कौन डिसाइड करेगा, कॉपीराइट बोर्ड। कंपल्सरी लाइसेंस टू पब्लिक अनपब्लिश्ड इंडियन वर्क्स। सर कंपल्सरी लाइसेंसिंग, ये जो पॉइंट है ना सर, ये कॉपीराइट में भी आता है और ये पेटेंट में भी आता है। और कंपल्सरी लाइसेंस का मतलब क्या होता है कि नॉर्मल पब्लिक उस कॉपीराइट वर्क को यूज कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर अनपब्लिश्ड का मतलब सर वो चीज जो आज तक पब्लिश नहीं हो पाई। आप पूछेंगे सर ऐसी क्या चीज है जो आज तक पब्लिश नहीं हो पाई, दैट्स ए वेरी गुड पॉइंट। कोई फेमस पोएट थे, कोई फेमस स्क्रिप्ट राइटर थे, या कोई फेमस हस्ती जिन्होंने कुछ लिखा था अपने लाइफ टाइम में और जो अब तक पब्लिश नहीं हो पाया। पब्लिश का यहां मतलब है जो पब्लिक की नॉलेज में नहीं आ पाया, किसी वेबसाइट पे नहीं गया, किसी मैगजीन में नहीं गया, तो वो होता है अनपब्लिश्ड इंडियन वर्क। इंडियन वर्क इसलिए क्योंकि वो इंडिया में आया था या इंडिया का ऑथर था, जिसने लिखा वो इंडिया का था। एंड टू ग्रांट कंपल्सरी लाइसेंस टू प्रोड्यूस एंड पब्लिश ट्रांसलेशन ऑफ लिटरेरी एंड ड्रामेटिक वर्क। सर हमने अब देख लिया है कि लिटरेरी वर्क का मतलब क्या होता है, हमने पीछे देखा, अभी ये देखिए एक बार फिर देख लीजिए सर, बुक्स, स्पीचेस, एडवर्टाइजिंग, गेम्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, अगर इनका हमने कोई चेंजेस किए हैं। सर आप जानते हैं बैटमैन मूवी अगर आपने देखी हो, तो अगर आपने बैटमैन मूवी देखी हो तो बैटमैन का जो पूरा का पूरा जो करेक्टर है उसके ऊपर भी कॉपीराइट मिला है, उसके ऊपर पूरा का पूरा कॉपीराइट है। सर ड्रामेटिक वर्क, अच्छा सर एक फिल्म आई थी ओ माई गॉड, वो जो फिल्म आई थी ओ माई गॉड, दैट फिल्म वॉज बेस्ड ऑन ए फेमस ड्रामा, एक ड्रामा के ऊपर वो फिल्म बेस्ड थी, तो सर उस पर क्या मिलता है, उस पर सर
उसी पे सर कॉपीराइट मिलता है। फिर टू डिटरमाइन रॉयल्टीज पेबल टू द ओनर ऑफ कॉपीराइट, क्या रॉयल्टी पेबल होगी ओनर ऑफ कॉपीराइट को, एंड टू रेक्टिफाई द रजिस्टर ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ द ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द रजिस्टर रजिस्ट्रार ऑफ द कॉपीराइट ऑन एप्लीकेशन ऑफ द, अगर कोई रेक्टिफाई, रेक्टिफाई का मतलब यहां क्या होता है, रेक्टिफाई का मतलब यहां होता है चेंजेस करना, चेंजेस करना ऑफ द कॉपीराइट और द राइट एप्लीकेशन ऑफ द रजिस्ट्रार और द एग्रीड पर्सन। एग्रीड पर्सन वो जो रजिस्ट्रार के जजमेंट के अगेंस्ट में है वो एप्लीकेशन देगा। तो सर फंक्शन क्या है इसके, टू डिसाइड वेदर ए वर्क हैज बीन पब्लिश्ड, कोई वर्क पहले पब्लिश हुआ है कि नहीं हुआ, अगर कोई डिस्प्यूट है सेटल करना, अगर कोई असाइनमेंट का डिस्प्यूट है सेटल करना, कंपल्सरी लाइसेंसिंग देना, कंपल्सरी लाइसेंसिंग देना किसके लिए, ट्रांसलेशन के लिए, रॉयल्टीज कितनी पेबल होगी ये डिसाइड करना, रेक्टिफाई मतलब चेंजेस करना या उसे ठीक करना किसमें, रजिस्टर में। ये फंक्शन किसके आ गए, ये फंक्शन है किसके, कॉपीराइट, ये कॉपीराइट बोर्ड के फंक्शन है। नाउ व्हाट अबाउट कॉपीराइट सोसाइटीज, सर तीन चीजों की बात की हमने अब तक, रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट, कॉपीराइट बोर्ड एंड थर्ड वन इज कॉपीराइट सोसाइटीज। सर कॉपीराइट सोसाइटीज के क्या क्या फंक्शन होते हैं, सर कॉपीराइट सोसाइटी इट इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन और किसके ओनर्स ऑफ कॉपीराइट विच इज लीगली रजिस्टर्ड अंडर द कॉपीराइट एक्ट। सर इसका क्या मीनिंग हुआ, सर मेरे पास भी कॉपीराइट है किसी चीज के ऊपर, आपके पास भी कॉपीराइट है किसी चीज का, और हम लोग एक ही इंडस्ट्री से आते हैं, हमारे पास एक जैसे कॉपीराइट है, मैं भी फिल्म्स बनाता हूं आप भी फिल्म्स बनाते हो, क्यों ना हम लोग मिलकर एक कॉपीराइट ग्रांट करने वाली सोसाइटी खोल दें। हमारी सोसाइटी क्या करेगी, हमारी सोसाइटी जो हमारी इंडस्ट्री के कॉपीराइट डिमांड करने वाले लोग आएंगे उन्हें हम कॉपीराइट ग्रांट कर देंगे, हम उनके कॉपीराइट के प्रोटेक्शन के लिए काम करेंगे, हम उन्हें रॉयल्टीज दिलवाएंगे, ये सारे काम हम कर सकते हैं। तो सर हमने इसे नाम क्या दिया, हमने इसे नाम दिया कॉपीराइट सोसाइटी का। तो कॉपीराइट सोसाइटी सर क्या करती है, तो जहां मैंने यहां पे लिखा इट इज ए वॉलेंट्री एसोसिएशन, किसकी है सर, ये वॉलेंट्री एसोसिएशन है किसकी, ओनर्स की, और ओनर्स ऑफ कॉपीराइट, ओनर्स ऑफ कॉपीराइट विच इज लीगली रजिस्ट्रेबल, जो कि लीगली क्या है, जो कि लीगली रजिस्टर्ड है। सर इसका रजिस्ट्रेशन किसके पास में होता है, मैं सारी बातें रिवील कर रहा हूं बट क्यों ना पहले हम एक एग्जांपल देख लें किसी कॉपीराइट सोसाइटी का। ये देखिए नोवेक्स कम्युनिकेशन, यस नोवेक्स कम्युनिकेशन एक सोसाइटी है और इसका काम क्या है, बिजनेस ऑफ लाइसेंसिंग पब्लिक परफॉर्मेंस राइट इन साउंड रिकॉर्डिंग्स। तो साउंड रिकॉर्डिंग के लिए नोवेक्स कम्युनिकेशन इंडिया में लाइसेंस ग्रांट करती है। पब्लिक परफॉर्मेंस इन होटल्स रेस्टोरेंट्स लॉन्स डिस्कोथेक रेस्टोरेंट्स मॉल्स एंड अदर वेन्यूज फॉर कम्युनिकेशन टू द पब्लिक ऑन ए कमर्शियल बेसिस ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिक लेबल्स, जैसे कि जी एंटरप्राइज म्यूजिक, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड का अगर कोई भी कॉपीराइट है, उसका कोई म्यूजिक राइट है और उसमें कोई म्यूजिक कॉन्सर्ट हो रहा है। अच्छा सर मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, किसी डिस्को में अगर कोई गाना प्ले हो रहा है और आप गाने पर नाच रहे हैं, आप डांस कर रहे हैं डिस्को में या पब में, और नाचते नाचते आपके दिमाग में ख्याल आया कि सर अगर वो म्यूजिक पे हम नाच रहे हैं और हम इस पब वाले को या इस डिस्को वाले को पे कर रहे हैं, ये इसका कमर्शियल बेनिफिट ले रहा है, सर ये इसका कमर्शियल अगर बेनिफिट ले रहा है तो क्या इसे म्यूजिक कंपनी को रॉयल्टी पे नहीं करनी पड़ेगी, और सर रॉयल्टी पे कौन करता है, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, रॉयल्टी पे कौन करता है, रॉयल्टी पे करता है सर जो डिस्को का ओनर है, क्योंकि वो उसका कमर्शियल यूज कर रहा है। आप अपने घर की शादी में गाना चलाइए कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर की शादी में गाने प्ले कीजिए डांस कीजिए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर कोई कमर्शियल पर्पस के लिए किसी के कॉपीराइट को यूज करता है तो उसके लिए उसे पहले प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ती है। सर रेडियो स्टेशंस, क्योंकि मैंने तो रेडियो में काम भी किया है, I was working with Reliance, मैं Reliance में काम करता था, I used to work in Reliance Big 92.7 FM,
तो हमारा रेडियो स्टेशन सर हर महीने का 27 लाख रुपए ऑन एन एवरेज रॉयल्टी पे करता था अलग अलग म्यूजिक कंपनीज को। जब भी आप रेडियो पे कोई गाना सुनते हैं ना सर, वो गाना फ्री का नहीं होता, रेडियो कंपनीज को उसके लिए रॉयल्टी पे करनी पड़ती है, क्योंकि म्यूजिक कंपनी के पास उस गाने का कॉपीराइट होता है। जब भी कोई अवार्ड फंक्शन में आलिया भट्ट डांस करती है ना और अलग अलग गानों के ऊपर परफॉर्म करती है, तो अवार्ड फंक्शन के ऑर्गेनाइजर्स को भी उसके लिए रॉयल्टी पे करनी पड़ती है। और वो अप्रूवल कौन देता है? वो अप्रूवल देता है कॉपीराइट सोसाइटी, राइट? चलिए आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल है द इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी लिमिटेड। इसके तो कई केसेस भी आए, आईपीआरएस के तो कुछ केसेस भी आए हैं। आईपीआरएस किस किस के ऊपर देती है? आईपीआरएस भी अलग अलग चीजों के ऊपर कॉपीराइट देती है, अभी मैं उसकी बात करूंगा। नोवेक्स कम्युनिकेशन की जो मैंने बात कर, देखिए नोवेक्स कम्युनिकेशन के प्रमोटर्स की मैं बात करूं, नोवेक्स कम्युनिकेशन के प्रमोटर्स में यशराज फिल्म्स है, शेमारो है, एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है। इन लोगों ने मिलकर इसे बनाया है, इन लोगों ने मिलकर इस पूरी कंपनी को स्टैब्लिश किया है जिसका काम लाइसेंस देने का है। और पब्लिक परफॉर्मेंस के लिए क्या देते हैं? दे गिव लाइसेंस फॉर पब्लिक परफॉर्मेंस। न्यू ईयर इवनिंग पे बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, कोई फिल्म स्टार सेलिब्रिटी आ रहा है और अलग अलग गानों परफॉर्म कर रहा है, यहाँ भी कॉपीराइट के लिए फीस देनी पड़ती है, लाइसेंस लेना पड़ता है। आईपीआरएस की अगर मैं बात करूँ, आईपीआरएस इज ऑल्सो ए सोसाइटी ऑफ कॉपीराइट, और आईपीआरएस ने केस फाइल कर दिया था शाहरुख खान की जो टीम है कोलकाता नाइट राइडर, यस कोलकाता नाइट राइडर्स के अगेंस्ट में केस फाइल किया था आईपीआरएस ने। सर केस क्या था? केस ये था कि आईपीआरएस का केस ये था कि जब कोलकाता नाइट राइडर्स के जो मैच होते थे आईपीएल में, आईपीएल में ड्यूरिंग दी मैचेस बहुत सारे गाने चलाए गए थे, बहुत सारे गाने प्ले किए गए थे इंक्लूडिंग शाहरुख के गाने। तो शाहरुख खान के गाने स्टेडियम में प्ले किए गए थे पब्लिक को एंटरटेनमेंट करने के लिए, ऐसा आईपीएल में कई बार हुआ है कि पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए गाने बजाए जाते हैं। तो आईपीआरएस ने नोटिस इशू किया था, और नोटिस इशू किया था किसको? कोलकाता नाइट राइडर्स को, कि आप क्या कर रहे हो, आप किसी और के कॉपीराइट का वॉयलेशन कर रहे हो, राइट? तो अब जरा देखिए, सो आईपीआरएस क्या काम करती है? द बिजनेस ऑफ आईपीआरएस इज टू इशू लाइसेंसेस टू द यूजर ऑफ म्यूजिक एंड कलेक्ट रॉयल्टीज फ्रॉम देम। तो ये म्यूजिक के लिए काम करती है, एंड ऑन बिहाफ ऑफ इट्स मेंबर्स ऑथर्स द कंपोजर्स एंड द पब्लिशर्स ऑफ म्यूजिक एंड डिस्ट्रीब्यूट दिस रॉयल्टी। जो रॉयल्टी आती है वो मेंबर्स को पे कर देती है। आईपीआरएस 23 अगस्त 1969 को बनी थी, और रिप्रेजेंटेटिव है किसकी? है म्यूजिक डायरेक्टर्स की, कंपोजर्स की, ऑथर्स की एंड द पब्लिशर्स ऑफ म्यूजिक। तो ये सारा का सारा काम कौन करता है? ये सारा का सारा काम करती है आईपीआरएस, राइट? ओके, तो ये हमने बात करी यहां पे, ये हमने बात करी आईपीआरएस की। अब सर ये जो सोसाइटीज हैं, चाहे नोवेक्स कम्युनिकेशन हो चाहे वो आईपीआरएस हो, इनका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? देखिए रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? रजिस्ट्रेशन इनके लिए मैंडेटरी होता है, एंड इट कैन ग्रांट लाइसेंस ओनली आफ्टर गेटिंग रजिस्टर्ड। बिना लाइसेंस के कोई भी सोसाइटी फर्दर लाइसेंस ग्रांट नहीं कर सकती। तो पहले क्या होगा सर? पहले रजिस्ट्रेशन होगा, और रजिस्ट्रेशन किसका होगा? पहले रजिस्ट्रेशन होगा कॉपीराइट सोसाइटी का। सो आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट सोसाइटी इट कैन ग्रांट लाइसेंस, उसके बाद ये लाइसेंस ग्रांट कर सकती है। और सर 7 लोग चाहिए कम से कम एक्टिंग एज ओनर ऑफ कॉपीराइट। मुझे कभी ना कभी कॉपीराइट मिला था, आपको भी कभी ना कभी कॉपीराइट मिला था, तो हमें ऐसे 7 लोग चाहिए, और वो 7 लोग मिलकर सोसाइटी एस्टैब्लिश करेंगे। और किसको एप्लीकेशन देंगे? वो अपनी एप्लीकेशन देंगे किसको? रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट को। रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट उनकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेगा किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट मिल जाएगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट मिलने के बाद रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट कॉपीराइट सोसाइटी को अप्रूवल ग्रांट कर देगा, राइट? तो ये तो हमने देखा कि किस तरीके से कॉपीराइट सोसाइटी एस्टैब्लिश होती है, और उसके इफेक्ट्स क्या होंगे बनने के। द कॉपीराइट सोसाइटी स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द ऑथर।
सर इस लाइन को दोबारा पढ़िएगा. दी कॉर्पोरेट सोसाइटी स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द ऑथर. दी कॉर्पोरेट सोसाइटी स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द ऑथर. दोबारा बोल रहा हूँ, दी कॉर्पोरेट सोसाइटी स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द ऑथर. जानते हैं इस लाइन का मतलब क्या है? सर इस लाइन का मतलब ये है कि जो ऑथर कर सकता है वो सारे काम अब कॉपीराइट सोसाइटी कर सकती है. अब हमारे इंटरेस्ट को कौन बचाएगा? कॉपीराइट सोसाइटी. एकता में शक्ति है ना, एकता में शक्ति. और वो एकता कैसे आ गई? जब हम कॉपीराइट सोसाइटी से जुड़ गए. अगर हमारे कॉपीराइट का, मेरे कॉपीराइट का, मैंने एक गाना बनाया है, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे. ये गाना मैंने ही बनाया था, मैंने बादशाह को मैंने वो गाना दे दिया. तो डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, ये गाना मैंने बनाया था, और इस गाने का अगर इन्फ्रिंजमेंट कर लिया बादशाह ने तो बादशाह के ऊपर केस फाइल कौन करेगा? खैर बादशाह ने गाना गाया है तो उसके ऊपर भी कॉपीराइट है. अगर बादशाह ने गाना लिखा है, म्यूजिक भी बादशाह ने दिया है, तो इसके ऊपर पूरा का पूरा कॉपीराइट बादशाह का होगा. लेकिन आपको शायद पता नहीं है कि ये गाना मैंने ही बनाया था, लिखा भी मैंने था, म्यूजिक भी मेरा था, बादशाह ने चोरी कर लिया, और या हमारी परमिशन के बिना इसे कोई और यूज कर रहा है, तो उस पर केस कौन फाइल कर सकता है? कॉपीराइट सोसाइटी. कहने का मतलब जो काम कॉपीराइट का ओनर कर सकता है वो काम कॉपीराइट सोसाइटी भी कर सकती है. सो इट बिकम्स ए वर्चुअल एजेंसी टू एक्ट ऑन, वर्चुअल एजेंसी टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द ऑथर. ये ऑथर के बिहाफ पे काम कर सकती है. एंड इट कैन ऑल्सो इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसीडिंग्स. जैसा कि हमने देखा था कि आईपीएल के मैचेस में अगर विदाउट परमिशन केकेआर की टीम की तरफ से गाने प्ले हो रहे थे, इंक्लूडिंग द सॉन्ग्स ऑफ शाहरुख खान. यस, शाहरुख खान की मूवीज के गाने प्ले हो रहे थे, आईपीएस ने केस फाइल कर दिया. आईपीएस ने कहा कि लॉ का वायलेशन है. तो सर ये होते हैं इफेक्ट्स ऑफ रिकॉग्निशन. रॉयल्टी डिसाइड कौन कर सकता है? आईपीएस रॉयल्टी दिलवाता है. आईपीएस रॉयल्टी दिलवाता है. आईपीएस केस फाइल कर सकता है किसके बिहाफ पे? ऑथर के बिहाफ पे. एंड IPRS से मेरा मतलब है कॉपीराइट सोसाइटी, और इसके साथ साथ कॉपीराइट सोसाइटी लाइसेंस भी ग्रांट कर सकता है. तो ये तो हमने पूरा का पूरा डिस्कशन किया इसके बारे में. इसके कुछ और फंक्शंस भी हैं, वो जरा देखिए. इट में इशू ए लाइसेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी राइट ऑन बिहाफ ऑफ द ऑथर. जैसे कि अगर उसका कुछ ट्रांसलेशन करना है, अदर लैंग्वेजेस में बनना है, तो ये सारा काम कौन कर सकता है? ये सारे के सारे काम कॉपीराइट सोसाइटी कर सकती है. इट में कलेक्ट फीस. और फीस का मतलब क्या होता है? फीस का मतलब होता है रॉयल्टी. एग्रीमेंट कर सकता है विथ फॉरेन सोसाइटी. इंडिया के बाहर अगर USA में कोई सोसाइटी है तो उसके साथ एग्रीमेंट कर सकता है. एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीस. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीस किसको होगी? वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीस होगी ऑथर ऑफ कॉपीराइट. तो ऑथर ऑफ कॉपीराइट को फीस कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? ये फीस डिस्ट्रीब्यूट करने का काम भी कौन करता है? कॉपीराइट सोसाइटी. अगर कॉपीराइट सोसाइटी के अगेंस्ट में आपको कुछ प्रॉब्लम है, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि अगर आपको उसके अगेंस्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो सर 3 महीने के अंदर हाईकोर्ट में अपील भी फाइल करने का प्रोविजन इस एक्ट में गिवन है. तो ये तो सर हमने पूरा का पूरा डिस्कशन किया अबाउट कॉपीराइट सोसाइटी. कॉपीराइट सोसाइटी कैसे बनती है, किस तरीके से काम करती है, और उसके अगेंस्ट में अपील किस तरीके से फाइल हो सकती है, और इसके आगे के प्रोविजंस को हम लोग डिस्कस करेंगे आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक.